नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देव गुरु बृहस्पति 1 जून को वृषभ राशि में आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो अस्त हो गए थे। अब वो मतलब कि उदय हो रहे हैं, अब वो पावरफुल हो रहे हैं, उनका ताकत मिल रहा है, उनको एनर्जी मिल रहा है। तो करीब करीब कुछ लोगों का बोलना है कि 4 जून से मिल रहा है, कुछ लोगों का बोलना 8 जून से मिल रहा है। तो मान के चलिए कि लगभग 1 जून के बाद से ही इफेक्ट प्रभाव आपको जून के मतलब कि 1 मई को किए थे, अब 1 जून से आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज जानेंगे वीडियो में, और आज मैं बताने वाला हूं कुछ राशियों को जो पैसे के मामले में उनके साथ अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू कर। देखिए, देव गुरु बृहस्पति किसी भी घर को देखते हैं तो दृष्टि उनका बड़ा शुभ मानते हैं, वो जहां भी देखते हैं उसको बड़ा अच्छा करते हैं, ठीक है। तो पहला तो पैसे के मामले में जो आता है वो आता है आपका 11वां घर। तो देव गुरु बृहस्पति यहां पे अगर बैठेंगे तो दृष्टि डालेंगे, तो मान के चलिए कि करीब करीब ये वृषभ राशि है, मतलब कि तो 1, 12, 11, 10, ठीक है, 10, 11, 12, 1, 2, मतलब मकर लग्न और मकर राशि के जातक निश्चित तौर से आपके आय में बढ़ोतरी होगा। अभी तक जो देवगुरु बृहस्पति थे वो चतुर्थ घर में थे, ठीक है, चौथे घर में थे आपके, मतलब देखा जाए तो आपके राशि में चौथे घर में थे, लेकिन अब ये यहां पे आएंगे तो चौथे घर में थे, मेष राशि में थे तो उस वक्त उतना बल नहीं थे, लेकिन अब आने वाले हैं तो मकर राशि अब आपके आय में बढ़ोतरी होगा। और ये क्या सबके साथ होगा? नहीं, देखिएगा हथेली पे, आप हथेली उठाइए और देखिए, ये जो है इतना हिस्सा जो है बृहस्पति का होता है, क्योंकि कुंडली तो आपका देख नहीं सकता मैं, कुंडली तो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए आप अपना हथेली उठाइए, बृहस्पति को देखिए, ये हो गया और ये उंगली सीधी हो गई, ठीक है। तो अगर इस हिस्से को छूने पे उठा उठाई दिखाई दे और साफ सुथरा है, उंगली बिल्कुल सीधी है, तो आपके बृहस्पति अच्छे हैं। अब खराब का क्या होगा? ये दबा हुआ होगा, कई सारे कटी फटी ऐसे रेखा होगा, तिल होगा, दाग धब्बे होंगे, उंगली बिल्कुल सीधी नहीं होगी, टेढ़ी मुड़ी होगी, तो मतलब आपके बृहस्पति खराब है, ठीक। तो अब जिनके बृहस्पति अच्छे होंगे वह हथेली से देख लीजिएगा, वो समझा दिया हूं, जिनके बृहस्पति अच्छे होंगे उनको 100% मकर राशि वाले आपको लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा, आय में आपका तरक्की होगा। और ये अभी से आपको महसूस होने लग गया होगा, अभी से आप देखने लग गए होंगे कि आपको नौकरी मिलने वाली है या बिजनेस चलने वाला, अभी से आपको महसूस होने लग गया होगा। तो ये रहा ग्रोथ का। दूसरा क्या होता है? भाग्य का होता है। भाग्य मतलब देव गुरु बृहस्पति यहां बैठेंगे तो इनकी दृष्टि भाग पे जाएगा, तो 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातक, अब आप अपने हथेली पे देख लीजिए कि आपके देव गुरु बृहस्पति उठे हुए हैं तो अच्छा है, दबे हुए हैं तो खराब है, रेखा है, कटी फटी रेखा है तब भी खराब है, साफ सुथरा है तो बृहस्पति आपके अच्छे हैं। अब जिनका बृहस्पति अच्छा होगा, ठीक है, जिनका बृहस्पति अच्छा होगा उनका भाग्य में बढ़ोतरी होगा, भाग में बढ़ोतरी होने की वजह से भी आपके आय में बढ़ोतरी होता है, अच्छी नौकरी मिलती है, लाइफ में आप ग्रोथ करते हुए चले जाते हैं, जिससे कि आपकी बिजनेस बढ़ती है, आपके पैसे का आय बढ़ता है और चीजें बहुत अच्छी होने लग जाती हैं। तो ये आपका भाग्य पक्ष का चीजें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मिथुन राशि के लिए हो गया। अब ये आय हो गया, ये हो गया, और दूसरा क्या होता है आपका पैसे के लिए? भाग्य का होता है, आय का होता है, 4 ग्रह होता है, धन भाव का आपका ये वृषभ हो गया, मतलब मेष राशि। तो देव गुरु बृहस्पति मतलब कि अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे दृष्टि पड़ेगा, गुरु होंगे तो ये मान लीजिए आपका 2 नंबर हुआ, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि तुला राशि, तुला राशि, ठीक है, तुला राशि वाले,
तुला राशि वाले आप भी देखिएगा, आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति, अगर ये हिस्सा उठा हुआ है, उंगली बिल्कुल सीधा है, तो आपके बृहस्पति अच्छे हैं। ये हिस्सा दबा हुआ है, कई सारी कटी फटी रेखाएं हैं, तो आपके बृहस्पति अच्छे नहीं है। जिनका ये हिस्सा उठा हुआ है, साफ सुथरा है, उनको धन की प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस अब आपका बढ़ने वाला है, कुछ ऐसा होगा, धन संपत्ति प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, खूब सारे पैसे प्रभु अब आपको देने वाले हैं। तो ये तीन राशि हो गया, अब एक राशि और बच गया। मान लीजिए कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 मकर राशि, मकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुंभ राशि, ठीक है, कुंभ राशि, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कुंभ राशि, कुंभ राशि भी आप देखिएगा, आपके बृहस्पति अगर उठे हुए हैं सीधा उंगली है और कटी पटी यहां पर रेखा नहीं है, साफ सुथरा है, तो आपके बृहस्पति अच्छे हैं। निश्चित तौर से आपका यहाँ पे चतुर्थ घर में बैठे हैं, तो अब आप लाइफ में बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे। दसवें घर पे दृष्टि पड़ा, मतलब अब आप लाइफ में जो अभी तक अनस्टेबल थे, अब आपके लाइफ में हमेशा के लिए आप स्टेबल हो जाएंगे। सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग है, कुछ भी होगा अब हमेशा अच्छे से चलेगा, जो आपको लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा सा बैकबोन दे देगा। तो ये चार राशि के बारे में, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये चार राशि अब जो देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, 19 अक्टूबर तक तो स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। 19 अक्टूबर के बाद से वक्री हो रहे हैं, जिसके बारे में बात नहीं है। 19 अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर तक समझिए, अच्छा खासा चार राशि वालों के पास पैसा आने वाला है। लेकिन आप बृहस्पति को देख लीजिएगा, बृहस्पति अगर अच्छे होंगे, उठे हुए होंगे, सीधा उंगली होगा, दाग धब्बे नहीं होंगे, तभी उन्हीं लोग को लाभ मिलेगा। बस बाकी जिनके नहीं है, वो बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना शुरू करें। बिल्कुल बृहस्पति मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए, बृहस्पति स्ट्रांग होंगे, पैसे की समस्या आपकी दूर होगी। बृहस्पति का बीज मंत्र आपको ओम प्रेम बृहस्पति नमः यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा, बीज मंत्र सर्च करिएगा, जाप करना शुरू कीजिए, निश्चित तौर से आपको राहत मिलेगी। बाकी आपके कुंडली, बाकी ग्रह गोचर कैसे हो, तो कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलेगा। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना, कुछ चार दक्षिणा पे करके आप कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।